नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ बुटीक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए प्लेन कुर्ती का एक बहुत ही सुंदर सा डिजाइन लेकर के आया हूँ, जो कि हम पाइपिंग के साथ, एंकर के धागे के साथ और बटन के साथ कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों, ये हमने लेमन कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। प्लेन अस्तर हमने ज्वाइंट कर लिया है यहाँ पे इस तरीके से, क्योंकि ये सिल्क वाला पीस है। और पाइपिंग के लिए हमने यहाँ पे ओरेप की इस तरीके की पट्टियाँ ली हुई हैं। ये ओरेप की पट्टी होगी, ये हमने एंकर का धागा लिया हुआ है और ये हमने बटन लिए हुए हैं। डिजाइन बनाने के लिए दोस्तों, सबसे पहले हमें मार्क करना होगा कि हमें डीप और ब्रॉड लेंथ कितनी रखनी होती है। तो हमें यहाँ पे बनाना है ब्रॉड गला, जो कि बोट नेक होगा। तो हम यहाँ पे डीप रखेंगे 3.25 इंच, और जो ब्रॉड रखेंगे वो रखेंगे यहाँ पे 9.5 इंच इस तरीके से। इस प्रकार का निशान लगाएंगे, तो इस शेप में हमें यहाँ पे गले को कंप्लीट करना होगा। डिजाइन बनाने के लिए हमें नीचे तक का डिजाइन बनाना है एंकर के धागे से। तो हम एक यहाँ पे निशान लगा लेते हैं, तकरीबन 4 से 4.5 इंच तक का, इस तरीके से 4.25 या 4.5 इंच तक का निशान लगा लें। तो इस शेप में जो ये वाला पीस होगा, ये पार्ट होगा, इसमें हमारा एंकर का काम आएगा। एंकर का काम करने के लिए हमें यहाँ पे एक कपड़ा लेना होगा एक्स्ट्रा। ये हमने एक एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है पट्टी। इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई होगी इसकी यहाँ पे तकरीबन एक साइड से 9 इंच होगा, और दूसरी साइड से ये मैंने डबल रखा हुआ है। हमें तकरीबन ये 16 से 17 इंच तक चाहिए। इस प्रकार का ये हमारे पास पीस होगा। इसको हमने डबल फोल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से रख लेते हैं। और जिस शेप में हमने यहाँ पे निशान लगाए हैं, ये वाले नीचे की साइड निशान लगाए हैं, उसी शेप में हम यहाँ पे इस पे भी मार्क कर लेते हैं। और ये हमारा आर्म होल आ जाता है यहाँ पे, और ये शोल्डर आ जाता है। इसी एंगल में हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। नीचे की साइड हमें एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ना होता है तकरीबन 1.25 इंच का, और इस साइड भी थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं ऐसे। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, इस साइड भी एक्स्ट्रा हो गया और नीचे की साइड भी थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा हो जाता है। अब हमें क्या करना होगा, जो ये पीस हमने कट किया है, इसके ऊपर हमें पेपर पेस्टिंग पेस्ट करनी है। जो हमने दोस्तों पीस कटिंग किया था, उसके ऊपर हमने पेपर फ्यूज यहाँ पे पेस्ट कर ली है। इसको फिर से एक बार रख के देखते हैं, तो ये इस एंगल में ऐसे आएगा। और यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं, जैसे हमने डीप ब्रॉड लेंथ के लगाए थे 3.25 इंच, और 9.5 इंच के हिसाब से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमारा एंकर का धागा कहाँ तक आता है। इसके बाद हमने जो 4 से 4.5 इंच का लेना है निशान, ये भी हम यहाँ पे इस तरीके से कटिंग कर लेंगे फिनिशिंग के साथ में। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आइए सीखते हैं डिजाइन बनाने का आसान सा तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों, सबसे पहले हमें जो हमने योक कटिंग किया है, इसके ऊपर एंकर का काम करना है। पेपर पेस्टिंग हमने पेस्ट की हुई है, और ये गले की नेक लाइन हमने बना ली है, जितना हमें डीप रखना होता है। और एंकर का धागा हमने यहाँ पे फिरकी में इस तरीके से डाल लिया है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे जो क्रॉस बनाना है इस तरीके से, किसी भी एंगल में लेंगे हम, यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेंगे हल्का हल्का, जितना चौड़ाई वाला इंची टेप होता है उतनी चौड़ाई से हल्के हल्के आपने यहाँ पे मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। पूरे पीस में पहले मैं मार्क कर लेता हूँ, फिर आपको यहाँ पे डिजाइन बना करके दिखाऊंगा। पूरे पीस में दोस्तों, हमने यहाँ पे निशान अपने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम हर निशान के ऊपर यहाँ पे एंकर का काम करेंगे। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक है।
यहाँ पे दोस्तों हमने चार सिलाई तकरीबन लगा ली है, तो सभी निशानों के ऊपर सेम इसी तरीके से सिलाई को हम कंप्लीट करते हैं। पूरे पीस पे दोस्तों हमने सिंगल सिलाई यहाँ पे अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे क्रॉस सिलाई बनानी है, तो क्रॉस सिलाई बनाने के लिए भी हमें दोबारा से इस तरीके से निशान लगाने पड़ेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस में ऐसे ही सिलाई लगाते हैं। यहाँ पे भी दोस्तों हमने तीन सिलाई आपको लगा करके दिखाई है, तो क्रॉस हमारा ऐसे आ जाएगा बॉक्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो सभी में हम सेम इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट करते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने एंकर का धागा अपना बहुत ही फिनिशिंग के साथ में कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे क्रॉस क्रॉस बनाते हुए डिजाइन जैसे हमारा यहाँ पे तैयार हो जाता है, तो अब हमें यहाँ पे पाइपिंग निकालनी है। तो जो हमने ब्लैक कपड़ा दिखाया था उसकी हम इस तरीके से पाइपिंग बना लेते हैं, डोरी वाली पाइपिंग हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और अटैच करेंगे। इसको हमें ध्यान भी देना होता है कहीं से कोई फर्क ना आए, इसलिए ऐसे डबल करते हुए इसको फिनिशिंग के साथ बराबर कर लेते हैं दोनों साइड से इस तरीके से। अब हम यहाँ पे रखेंगे डोरी वाली पाइपिंग और इस तरीके से यहाँ पे इसको अटैच करेंगे। हमने पाइपिंग यहाँ पे अपनी अटैच कर ली है। अब हमें ऊपर की साइड जो नेक लाइन है ये कटिंग करनी है, तो हम इसको इस तरीके से डबल करेंगे और जैसे मैंने बताया था आपको ब्रॉड रखना है हमें 9.5, तो यहाँ पे हम 4.5 पे मार्क करेंगे। डीप रखना है हमें 3.25 से 3.5, और जो ये आप निशान देख पा रहे हो इसी के ऊपर हम यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। तरीके से कटिंग करने के बाद अब हमें यहाँ पे भी पाइपिंग सेम इसी तरीके से अटैच करनी है जैसे हमने इस साइड की है। पाइपिंग हमने अटैच कर ली है। अब जो ये पीस होता है ये तो हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, इसको हम प्रेस से अच्छे से सेट कर लेंगे और ऊपर से गला फ्रंट में ज्वाइंट करेंगे। नीचे वाली जो पाइपिंग है हमने प्रेस से अच्छे से सेट कर ली है। ये जो पाइपिंग है इसको हमें अभी सेट नहीं करनी होती क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रंट में अटैच करना है। जो रोंग साइड होती है हमारी मेन फ्रंट की, रोंग साइड में हम इस तरीके से रखेंगे ऊपर की साइड, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे, सेंटर हमारा आउट नहीं होना चाहिए। दोनों सेंटर हम इस तरीके से मैच करते हैं ऐसे, और यहाँ पे अब हमें सिलाई लगानी है फिर से पाइपिंग वाली सिलाई के ऊपर।
से हमने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ पे एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको कट कर लेना है ऐसे। और जो गोलाई होती है गोलाई में इस तरीके से कट लगा लेते हैं हल्के हल्के। अब हम जो ये पैच हमने तैयार किया है इसको सीधी साइड ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको प्रेस से अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेंगे। पाइपिंग जो होती है ये हमारी ऊपर की साइड यहाँ पे सेंटर में आ जाती है, बीच में जो अंडरग्राउंड पाइपिंग होती है ऐसे आ जाएगी इस तरीके से। अब प्रेस से अच्छे से सेट कर लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों प्रेस से हमने अच्छे से सेट कर लिया है पैच वर्क को अपने, ये ऐसे आएगा यहाँ पे हमारा। और फिनिशिंग के साथ में हमने यहाँ पे ये जैसे नेकलाइन भी तैयार कर लिया है यहाँ पे। अब हमें सेंटर पॉइंट का ध्यान रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है और साथ ही हमने कुछ डोरी बनाई हुई है बटनों के लिए। यहाँ पे हमें 7 बटन लगाने हैं तो हम डोरी भी यहाँ पे अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट से ऐसे रखेंगे डोरी को नीचे की साइड इस तरीके से, और ये इतनी रखनी चाहिए जिसमें हमारा बटन आ जाए। और यहाँ पे इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे हल्का हल्का गैप रखते हुए 1.5 से 2 इंच के बीच का इस तरीके से यहाँ पे डोरी रखेंगे। गैप बराबर रहना चाहिए ये आपने ध्यान रखना है। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक साइड में 3 डोरी लगा ली है और एक सेंटर में। तो सेम इसी तरीके से हम इस साइड भी यहाँ पे भी ये डोरी अपनी कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पे पैच हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने पूरे पीस में अपनी डोरी कंप्लीट कर लिए हैं और ऊपर के साइड यहाँ पे ब्लैक कलर के बटन भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही प्यारा सा हमने यहाँ पे बोट नेक के साथ में कुर्ती का डिजाइन अपना कंप्लीट किया है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।